नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। कोरोना काल में खजाना खाली होने का रोना रोने वाली मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्रियों की शान शौकत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गैस पीड़ित विधवाओं के लिए पेंशन के पैसे भले न हो, लेकिन सरकार के मंत्रियों के बंगले सजाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिवराज सरकार के 10 महीने के कार्यकाल में मंत्रियों के बंगले सजाने में करीब 4,58,00,000 रुपए से ज्यादा का खर्च। ये खर्च तब हुआ है जब साल भर पहले कांग्रेस के नेता इन बंगलों में आए थे तो उन्होंने रंग रोगन में करोड़ों रुपए खर्च किए थे। पूर्व कमलनाथ सरकार में बंगले सजाने में 3,68,00,000 रुपए खर्च हुए थे। उस वक्त सबसे ज्यादा 45,00,000 से ज्यादा रुपए खर्च तत्कालीन वित्त मंत्री तरुण भनोट के बंगले में आया था। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा के एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि सबसे ज्यादा 1,00,00,000 रुपए सीएम हाउस पर खर्च हुए हैं, तो 56,00,000 रुपए पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले की साज सज्जा में लगे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले में 44,84,455 रुपए खर्च किए गए, तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले में 31,00,000 से ज्यादा रुपए का काम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के बंगले की सजावट में 27,94,541 रुपए खर्च हुए। इसी तरह सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले में 19,41,810 और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले में 18,00,000 से ज्यादा रुपए का काम हुआ है। ये सब तब है जब मध्य प्रदेश पर 2,00,00,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। गैस पीड़ित विधवाओं को 1,000 रुपए की पेंशन नहीं मिल पा रही, कर्मचारियों की तनख्वाह अटकी हुई है, डीए अटका हुआ है, तो नौकरियों के लिए परीक्षा हुई लेकिन भर्ती लटकी है। इस पर सरकार का एक ही तर्क है कि कोरोना की वजह से सरकारी तिजोरी खाली है। विधानसभा में सरकार ने बताया कि पिछले 8 महीने में ही वो 23,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। सरकार का कहना है कि घर खर्च होता है, पूरे आंकड़े बजट में देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।